अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको आपके अहले हना के साथ ईद जैसी लाखों खुशियां नसीब फरमाए, और इस महंगाई के दौर में अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। ईद ईद क्या बताएं आपको, ईद कैसी है। मेरी ईद तो ये है कि सुबह कल ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान के बाद घर, सारा दिन घर में गुजर गया। आज भी सारा दिन गर्मी था, तो अभी मैं निकला हूँ कि चलें ऑफिस चक्कर लगाता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं ये लान में पौधों के साथ लगा हुआ था, माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फूल अभी पूरे लान में निकले हुए हैं, दोनों साइडों पे, बाहर भी। ये देखें जी, माशाल्लाह ये आगे, ये हमारे अंकल का कमाल है, माली का, कि जो इस तरह के हमारे गार्डन को गार्डन बनाया हुआ है उन्होंने। ये अभी अंगूर की बेल, कुछ दिन पहले ये बिल्कुल इसकी जो ये टाहनियाँ थी ये वाली ना, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त, और इसको हम रस्सियाँ बांध के इंशाल्लाह ये पूरा ये ना सामने इसको लेके आएंगे। तो कुछ भी नहीं बाकी, और ईद बच्चों की है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन बड़ों ने क्या करना, बस ऐसे ही घूम फिर के चक्कर लगा के। तो मेरी तरफ से आपको और आपके अहले खाना को अगेन 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 ईद मुबारक हो, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इस तरह के लाखों करोड़ों शुक्र खुशियों को लेके आए। थैंक यू वेरी मच।